हेलो एंड नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब काफ़ी हद तक अच्छे होंगे और जहां होंगे मस्त एंड स्वस्थ होंगे। तो गाइस, अगर आप ये वीडियो पर क्लिक किए हैं तो ज़रूर आप सांसद का लिस्ट देखना चाहते हैं, यानी अपने क्षेत्र में कितना सांसद बीजेपी से हैं, उनका लिस्ट कैसे निकाले, आपको ये जानने में इंटरेस्ट है या आवश्यकता है तो ही इस वीडियो पर आप क्लिक किए होंगे। तो इसी वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अपने क्षेत्र के सांसद का लिस्ट कैसे निकाल सकते हो, बीजेपी सांसद का। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में बीजेपी का सांसद कितना है, उनका लिस्ट निकालने के लिए, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो हम बताने वाले हैं आप अपने क्षेत्र के या पूरा इंडिया भर में बीजेपी का लिस्ट जो निकाल सकते हैं, कौन कौन बीजेपी से सांसद है, ठीक है। अपने क्षेत्र का भी निकाल सकते हैं, यानी हमारे स्टेट से भी, कि हमारे स्टेट में कितना बीजेपी से सांसद है, आप लिस्ट भी निकाल सकते हैं उनका, वो भी फोटो के साथ निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। तो सिंपल सा क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, इससे क्या होगा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको आना है अपने मोबाइल के ब्राउजर में, और ब्राउजर में आने के बाद आपको इसमें टाइप करना है बीजेपी लोकसभा, क्या करना है बीजेपी लोकसभा सांसद मेंबर लिस्ट आपको लिखकर सर्च कर देना है। जैसे इतना लिखकर सर्च करेंगे, यहाँ देख सकते हैं बीजेपी लोकसभा सांसद मेंबर लिस्ट, जैसे इतना लिखकर सर्च करेंगे तो आपको क्या करना है, नीचे आना है, और थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ये दूसरा नंबर या पहले नंबर पर लिंक खुल जाएगा। तो इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस आपका ये ओपन होने लगेगा। तो डायरेक्टली इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप डायरेक्ट वहाँ पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, इस पेज पर डायरेक्टली आ सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह का पेज ओपन हुआ, आप इस पेज पर डायरेक्टली आ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ठीक है। तो इस लिंक पर आने के बाद यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर अपने स्टेट के स्टेट वाइज देखना है तो यहाँ पर यहाँ सिलेक्टेड बाय स्टेट आपको मिला है। अगर आप चाहते हैं किसी सांसद का नाम लिखकर पता करें कि बीजेपी में है कि नहीं, तो सिंपल से इसमें नाम सर्च कर देना है। तो हम अपने स्टेट वाइज देखना चाहते हैं कि हमारे स्टेट में कितना सांसद बीजेपी से हैं, उनका लिस्ट ओपन करना चाहते हैं। तो यहाँ सिलेक्ट कर लेना है अपना स्टेट, और क्या करना है, यहाँ आपका सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ देख सकते हैं यहाँ सर्च का ऑप्शन मिल गया है। यहाँ हम सिंपल सा क्या करेंगे, सर्च के बटन पर यहाँ हम क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ हम सर्च बटन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इस स्टेट में जितने भी सांसद बीजेपी से होंगे उनका लिस्ट ओपन हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं आप। तो थोड़ा सा वेट करना है, ये पूरा हो गया और यहाँ लिस्ट ओपन हो गया सांसद का, ठीक है। जो हम स्टेट सेलेक्ट किए हैं उसे चेयर से देखिए, उनका लिस्ट ओपन हो गया, कितना सांसद है सभी का यहाँ लिस्ट देखने को मिल रहा है, यहाँ देख सकते हैं। और इस किस क्षेत्र से क्षेत्र का यहाँ नाम लिखा हुआ है, यहाँ देखते हैं स्टेट और यहाँ क्षेत्र का नाम लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं किस क्षेत्र से है उनका नाम यहाँ लिखा हुआ है, उनका यहाँ फोटो है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं उनका यहाँ नाम और किस क्षेत्र से है और स्टेट यहाँ दिखाएगा। तो आप गिन भी सकते हैं कितने सांसद हैं, और यहाँ देख सकते हैं कितने सांसद है, ठीक है। तो इसमें यहाँ देख सकते हैं कुछ इतना ही सांसद है, और हम चाहते हैं यहाँ बिहार छोड़ के और यहाँ स्टेट सेलेक्ट करते हैं के लिए, तो हम देख सकते हैं। अगर चलिए एक और स्टेट का देख लेते हैं, चलिए हम उत्तर प्रदेश का देख, यहाँ सर्च क्लिक करके और यहाँ सर्च के बटन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो जैसे स्टेट सेलेक्ट करके सर्च पर क्लिक करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जितने भी सांसद बीजेपी पार्टी से हैं तो उनका यहाँ लिस्ट ओपन हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, यहाँ कुछ इस तरह का आपका ओपन हो ही गया, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश के बनारसी से यहाँ हमारे प्रधानमंत्री क्या है, सांसद हैं, यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ बहुत जितना है भी है आपका लिस्ट ओपन हो जाएगा, बीजेपी से जितना है वो लिस्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर इसे प्रिंट करके रखना है, अगर इसको चाहते हैं कि प्रिंट करके हम सेव करके रखें, जब मरीज जब देख सके, तो सिंपल सा क्या करना है, आपको यहाँ थ्री डॉट दिख रहा है अपने ब्राउजर में, थ्री डॉट दिखता है, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ देख सकते पेज थोड़ा रिफ्रेश हो गया, तो वेट करेंगे, यहाँ देख सकते इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद सिंपल सा नीचे आएंगे और यहाँ जो शेयर का ऑप्शन मिलता है उस पर क्लिक करना है एक बार। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ
यहाँ आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपल सा प्रिंट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा सब्र रखेंगे, यानी वेट कर लेना है थोड़ा सा, तो ये लोडिंग होगा। तो चलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ सारा लिस्ट ओपन हो गया। तो क्या करना है, इसको अगर प्रिंट करना है तो सिंपल सा यहाँ जितना भी सांसद उनका लिस्ट ओपन हो गया यहाँ PDF के रूप में, तो सिंपल सा यहाँ आपको प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ थोड़ा सा प्रिपेयरिंग प्रीव्यू होगा, उसके बाद ये कुछ इस तरह का ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ देख सकते हैं उनका यहाँ किस नाम से सेव करना चाहते हैं, यहाँ आपको नाम लिख लेना है जिस नाम से सेव करना चाहते हैं, और यहाँ सेव के बटन पर यहाँ क्लिक करना है। ठीक है, तो आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। तो ये बेसिक सा डिटेल है, आप कर सकते हैं, ये भी बताने वाला चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इसमें पर हम बैक जाते हैं। अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर मन में है तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चल दिए, हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।